बताया, मैं 11 12th क्या उससे पहले भी कभी स्कूल नहीं गया, हमेशा अपनी पढ़ाई घर से की। इसी कारण मेरी 14 ईयर्स की एज में 12th क्लास हो गई थी। इसी कारण मैं अंडर एज रह गया था नीट के लिए। मैं 12th के साथ नीट का एग्जाम नहीं दे पाया। फिर यहाँ पर जब मैं अभी 17 का हुआ हूँ, तो यहाँ पर जब मैं 6 महीने पहले लास्ट ईयर अक्टूबर में ही ज्वाइन किया था जेनेसिस क्लास से, और मैंने इससे पहले मेरा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कभी कोचिंग के लेवल कहीं से नहीं पढ़ पाए, कोई सोर्स नहीं रहा उस टाइप का। तो 6 महीने में इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं मानता हूँ मेरे टीचर्स के कारण आज मैं यहाँ खड़ा होकर आप सबके सामने बोल पा रहा हूँ। पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स सर और मेरी, मैं कहूँगा स्पेशली मेरी ग्रैंड मदर, उन्होंने एक महीना मेरे साथ यहाँ पर, हमने लास्ट एक महीने में रूम लिया था, उन्होंने एक महीना अकेले रहे जब मैं जिन दिन में जेनेसिस क्लासेस होता था। अब पेरेंट्स ने पानीपत से करनाल में रोज़ अपडाउन करता था, पेरेंट्स सुबह सर्दियों की जनवरी की धुंध में भी सुबह बाइक पर छोड़ने आते थे, पापा मेरे को बस में बैठाते थे। और जितनी मेहनत शायद पेरेंट्स और आपकी फैमिली करती है आपके लिए, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप उसकी 1% भी नहीं कर सकते मेरे ख्याल से आप लाइफ में। तो मेरे ख्याल से बच्चा सिर्फ मैंने नीट नहीं दिया है, मेरी पूरी फैमिली ने नीट दिया है। और जितना मैं खुश था उससे कहीं ज़्यादा खुश मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली है। मैं अपने पापा के चेहरे पर जो स्माइल देखता हूँ, पिछले 2 महीने से स्माइल करते नहीं लग रहे हैं, और वो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। और मेरे लिए टीचर्स ने सारा हेल्प किया, जैसे सर ने कहा बेहोश होकर भी, बेहोश हो गया था मैं, उस पर लेके गए मेरे को। तो फिर लेकिन मैं हमेशा टीचर के साथ कॉन्टैक्ट में रहा, उन्होंने कभी मेरे को वीक नहीं पढ़ने दिया, हमेशा हेल्प करी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, और पढ़ाई के साथ साथ हमेशा मुझे कभी इमोशनली मेरे को हारने नहीं दिया। 6 महीने में हर इंसान ने जिससे मेरे साथ बिल्कुल लग के मैंने किया, मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मैं उन सबको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स।